अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद है कि आप सब फिट फाइन और हैप्पी होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन स्पैगेटी। और इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो ये हैं। 4 टेबलस्पून भर के मैंने ऑयल लिया है, और 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ली है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने गार्लिक चॉप गार्लिक लिया है, एंड 1 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस लिया है, और 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स लिए हैं। और जो जो वेजिटेबल्स मुझे इसके लिए चाहिए वो ये हैं, कैबेज लिए है, कैरेट लिए, अनियन लिए, टमाटो लिए, कैप्सिकम लिए। और इसके लिए जो स्पैगेटी लिए है, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ले लें। और 200 ग्राम चिकन लिया है। सबसे पहले मैं स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए एक पॉट लूँगी, उसमें मैंने पानी डाला है और पानी मैंने ऐड कर दिया पॉट में। और इसके बाद जो है मैं 1 टेबलस्पून भर के जो है इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, और 1 टेबलस्पून जो है ऑयल डाल दिया। इससे ये है कि स्पैगेटी छटती नहीं है और बहुत अच्छी बॉईल होती है। तो अब हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे, और चलिए मिलते हैं 5 मिनट बाद। पानी में बॉईल आ चुका है, और अब मैं इसमें स्पैगेटी ऐड कर दूंगी, और मैं इसे कैप ढक के और मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी। 10 मिनट में बहुत अच्छी स्पैगेटी बॉईल हो जाती हैं। चलिए कैप रख देते हैं, और अब ये स्पैगेटी जो है बॉईल हो चुकी हैं। और अभी से मैं जो है वो स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लूँगी। अब इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डालूँगी ताकि जो है स्पैगेटी जो है वो चिपके ना आपस में। और ठंडा पानी डालने से बहुत अच्छी जो है स्पैगेटी वो तैयार हो जाती है। और अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून ऑयल डालूँगा, इसमें मैंने चॉप गार्लिक डाला है, चॉप गार्लिक डाल के अब मैं इसे सोते करूँगी। गार्लिक का बहुत अच्छा सा कलर आ गया, तो इसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी और इसे गार्लिक के साथ सोते करूंगी। मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी, साथ में सिरका, सोया सॉस, सॉल्ट, ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सिर्फ एक ब्लैक पेपर जो है वो मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, बाकी सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और अब मैं इसे अच्छी तरह सोते करूँगी और 5 मिनट तक ढक के पकाऊँगी इसे। से मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी, और अब ये जो है 5 मिनट हो चुके हैं, और ये बहुत अच्छी सी गल गया है चिकन इसका। बोनलेस चिकन वैसे भी टाइम नहीं लेता गलने में, और बहुत अच्छा सा तैयार हो गया चिकन। मैं इसके अंदर जो वेजिटेबल्स थी वो सारे इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसे 2 से 3 मिनट सोते करूँगी। मैं इसके अंदर स्पैगेटी ऐड कर लूँ, इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी।
मल्टी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब जो ब्लैक पेपर मैंने रखा हुआ था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत अच्छी सी स्पैगेटी तैयार हो गई। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।